नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निक गुरुजी में। और फाइनली ये पहला एपिसोड है टेक न्यूज सीरीज का, जिसमें पिछले काफी दिनों से प्लान कर रहा था। हम बात करेंगे यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग टेक न्यूज की, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आई नो कि सेटअप थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप मैनेज कर लोगे और आप इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एंड में मैंने आपसे काफी फीडबैक भी मांगा है। तो आप जो अपना फीडबैक देंगे उससे हम इस सेशन को और ज्यादा आपके लिए कस्टम मेड और अच्छे से इंप्रूव भी कर पाएंगे। तो है यहाँ पे बहुत सारे टेक न्यूज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसरो की तरफ से जो न्यूज आ रही है वो है मंगलयान को लेके। मंगलयान जो कि आप जानते हैं कि इंडिया का मार्स मिशन था, तो वहां पे वो जो मंगलयान है वो मार्स के चक्कर लगा रहा है 2 सालों से। और ऐसे में करीब 3 GB डेटा है जो ग्राउंड पे आ चुका है, जो रॉ डेटा है उसको अभी इसरो एनालाइज कर रहा है। और वहां पे बहुत सारे सेंसर्स थे मंगलयान में, जैसे कि मीथेन सेंसर था, उसके अलावा वहां पे थर्मल इमेजिंग के लिए सेंसर था, उसके अलावा मार्स के लिए कलर कैमरा वगैरह था। तो अभी इसरो बोलता है फाइनली कि काफी सारे इंटरेस्टिंग डेटा है और उसको एनालाइज कर रहे हैं वो, और बहुत जल्दी कुछ इंटरेस्टिंग डेटा मार्स के बारे में हमको जानने को मिलेगा। जैसे कि नासा ने पहले बताया था कि वहां पे मंगल पे पानी भी है, तो ऐसे में देखते हैं कि इसरो का अपना जो मंगलयान था वहां से क्या डेटा आपको जानने को मिलता है मंगल के बारे में। दोस्तों 3D स्कैनिंग काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है। 3D कैमरास की बात कर सकते हैं, 3D प्रिंटर्स की बात कर सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी मशीन यहाँ पे सामने निकल के आई है जहां पे आप अपनी कंप्लीट बॉडी का 3D स्कैन कर सकते हैं। यहाँ पे अंदर बहुत सारे कैमरास लगे हैं। जो टाइम लगेगा वो लगेगा सिर्फ 4 सेकंड्स का, यानी कि आपको उस मशीन के अंदर जाना है, 4 सेकंड के लिए खड़े होना है। और करीब करीब ऑन एवरेज जो कॉस्ट निकल के आ सकती है अगर इसको कमर्शलाइज किया जाता है, तो $10 में आप अपनी पूरी बॉडी का एक 3D स्कैन ले सकते हैं। करीब 2 से 3 मिनट लगेंगे उस सिस्टम को जनरेट करने में, और आप सॉफ्ट कॉपी अपने 3D स्कैनिंग के लेके आ जाएंगे। बाद में आप चाहे 3D प्रिंटर में अपने मॉन्यूमेंट्स बनवाएं या कुछ भी कर सकते हैं। वो जो 3D स्कैनिंग है काफी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, काफी बड़ी मशीन है ये। तो देखते हैं कि ये किस तरीके से मार्केट में आती है। यहां पे 8 Nikon के कैमरास को यूज किया गया है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफी बड़ी मशीन है। जैसे कि पहले था फोटो स्टूडियो फोटो बूथ, तो ऐसे ही ये 3D स्कैनिंग का एक इंटरेस्टिंग बूथ है। दोस्तों यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है कि आप कॉन्टैक्ट लेंसेज की मदद से ग्लूकोज लेवल को चेक कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आज तक जो था वो ये था कि आप पहले प्रिक करेंगे, उसके बाद ब्लड निकलेगा उसको चेक करेंगे तो आप निकाल पाएंगे कि ग्लूकोज लेवल कितना है। लेकिन क्योंकि हमारे आंसुओं में, हमारे टीयर्स के अंदर भी ग्लूकोज का कुछ कंटेंट होता है, तो उनको अगर आप एनालाइज कर लें किसी कॉन्टैक्ट लेंस के जरिए, तो आप ग्लूकोज का लेवल पता लगा सकते हैं, ऐसा कहते हैं कुछ साइंटिस्ट। और ये भी रिसर्च डेवलपमेंट में है, देखते हैं कि कैसे कब तक आता है, कैसे आप इसको और यूज कर सकते हैं। मैंने काफी रिसर्च सुनी है कि कॉन्टैक्ट लेंसेज के अंदर आप कैमरा भी लगा सकते हैं, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है उनके जरिए आप कंप्यूटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है वो किस तरीके से आती है और हम कैसे इसको और अच्छे से इंप्रूव भी कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपसे बात की मंगलयान की मार्स मिशन के बारे में, तो ऐसे में आप जानते हैं एलॉन मस्क को, तो उनका जो SpaceX मिशन है कि वो चाहते हैं कि इंसान जाए मार्स पे और वहां पे जाएं और रहें और वो सब। तो बोइंग जो है उसकी तरफ से काफी इंटरेस्टिंग न्यूज आ रही है। बोइंग के जो CEO उन्होंने कहा है कि वो नासा के साथ मिलकर काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट कर रहे हैं मार्स मिशन को लेके, और जो पहला इंसान मार्स पे कदम रखेगा वो एक बोइंग के रॉकेट में से उतरेगा। तो देखते हैं कि आगे कैसे हम इस चीज को लेके आते हैं, कैसे जाके मंगल पे रहेंगे, चांद पे रहेंगे, या पानी तो मिल गया है हालांकि मंगल पे, तो अभी कैसे वहां पे रह सकते हैं, या क्या वहां पे होता है कॉलोनाइजेशन। देखते हैं कि आने वाले कितने सालों में कौन कब कैसे पहला इंसान जाके मंगल पे जाता है, और उसके बाद में हम मार्स पे भी जो है वो अपने घर वहां पे ले पाएंगे। और एक और दोस्तों न्यूज आ रही है एक यूनिवर्सिटी की तरफ से, जो कि है एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे उनके पास में एक सुपर कंप्यूटर है जहाँ पे करीब करीब 116 प्रोसेसर्स लगे हैं, जो इंटेल के 18 कोर वाले Xeon प्रोसेसर्स हैं। और वो जो प्रोसेसर्स हैं उसमें टोटल मिलाएंगे तो 2016 कोर्स हैं। अब उस सुपर कंप्यूटर को अगर आप चाहें तो किराए पे ले सकते हैं। यूनिवर्सिटी जो है वो छोटे बिजनेसेस को वहाँ पे किराए पे दे रही है उस कंप्यूटर को, और जो किराया है वो है £90 एक घंटे का, ₹7,000, और आप एक काफ़ी अच्छे सुपर कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये 2016 कोर्स जो है वो दुनिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है तायोलाइट, उसके 1 करोड़ कोर्स सामने कुछ भी नहीं है। तो ये फास्टेस्ट तो नहीं है, लेकिन एक काफी इंटरेस्टिंग सुपर कंप्यूटर है। और ऐसे में छोटे बिजनेसेस जिनको काम पड़ता है इस टाइप के कंप्यूटर्स का, लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो किराए पे लेके अपना काम चला सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है। और इसी तरीके से एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है दोस्तों कि यहाँ पे जर्मनी में कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं कुछ कंपनीज की, जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होती हैं वहाँ पे सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए वर्चुअल रियलिटी को यूज़ कर रहे हैं। अब जो आप जानते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं सबका पहले कंप्लीटली 3D मॉडल बनता है, वर्चुअल मॉडल बनता है, तो ऐसे में उसी मॉडल को यूज़ करते हुए वर्चुअल रियलिटी हेडसेट्स के थ्रू जो वहाँ पे वर्कर्स होंगे, जो इंजीनियर्स वगैरह होंगे, उनको ट्रेन कर सकते हैं और पहले से ही काफ़ी सारी टेस्टिंग कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ ऐसी जोन्स हैं जहाँ पे आपको सेफ्टी ज़्यादा ख्याल करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वहाँ पे काम करने
वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी को देखते हुए पहले ट्रेनिंग मिल जाए वीआर के थ्रू, ताकि वो कंप्लीट एक्सपीरियंस ले लें और जब एक्चुअल कंस्ट्रक्शन हो तब ऐसे में सेफ्टी काफी अच्छी बनी रहे। काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। और वीआर जो है उसकी मैंने आपको जैसे बताया कि जो यूजेज है सिनेरियो वो एंडलेस है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी आगे जाके क्या क्या कर देंगी इसके बारे में कोई आइडिया भी नहीं है हमें आज की डेट में, तो देखते हैं कि और ज्यादा फ्यूचर में हमको कैसे ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों एक और जो न्यूज़ है वो आ रही है चाइना की तरफ से, और वो एक स्पेस प्लेन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वो 20 आदमियों को लेके 130 किलोमीटर की हाइट तक जाएंगे और चक्कर लगवा के नीचे लेके आएंगे। जो टिकट की प्राइस होगी वो होगी करीब 2 लाख से 2.5 लाख डॉलर। अब ये हालांकि इस तरह का पहला कंसेप्ट नहीं है, इसके अलावा पहले भी एक दो कंपनीज ने इस तरह क्लेम्स किए हैं कि वो भी ऐसा प्लान कर रहे हैं, किसी में 6 सीट्स हैं, किसी में 8 सीट्स हैं, लेकिन चाइना बोलता है कि यहाँ पे 20 सीट्स होंगे इनके पास में और 2020 तक इसका टेस्ट रन स्टार्ट करेंगे और एक बार सक्सेसफुल हो गया तो बाद में इसको कंप्लीट कमर्शलाइज कर देंगे और ये एक रॉकेट की तरह टेक ऑफ करेगा, प्लेन की तरह लैंड करेगा। आई डोंट नो, 130 किलोमीटर की हाइट पर अगर आप जाना चाहते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, देखते हैं कब तक आता है मार्केट में। और एक और दोस्तों इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यहाँ पे मेरे पास में, जो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ जीता है 3 साइंटिस्ट्स ने, तो उन्होंने बनाया क्या है मैं उसके बारे में बात करता हूँ। उन्होंने बनाया है एक मैकेनिकल कार जो कि नैनो स्केल पे बनी है, यानी कि आप ये समझिए कि इंसान के बाल से 1000 गुना छोटी एक ऐसी कार है जिसके अंदर मूविंग पार्ट्स हैं, पहिए हैं, वो चल सकती है। और ये कुछ मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके बनाया है कुछ साइंटिस्ट ने, और उनको मिला है 7,27,000 पाउंड का इनाम, यानी कि करीब करीब 6 करोड़ के आसपास। तो वे तीनों शेयर कर लेंगे। लेकिन जो कार है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है यहाँ पे, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो वैसे वैसे अगर रिमोट ड्रग डिलीवरी की अगर हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में कहीं पे ड्रग डिलीवर करनी है, तो ऐसे में वो नैनो कार जो है वो या कोई भी इस टाइप का जो नैनो रोबोट्स वगैरह होते हैं तो वो चल के जा सकते हैं, स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पे ड्रग को डिलीवर कर सकते हैं। तो इस तरह के काफी सारे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट हैं एनर्जी हार्वेस्टिंग वगैरह को लेके। तो ये एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि एक उन्होंने कार डेवलप कर ली है, बेसिकली एक मूविंग पार्ट है जो कि नैनो स्केल पे बना है। तो वो एक काफी इंटरेस्टिंग बात है, दिखने वाली होगी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से हमको देखने को मिल जाता है। दोस्तों एक और जो आगे न्यूज आ रही है वो भी एक काफी अच्छी न्यूज है कि कुछ साइंटिस्ट ने हेलमेट डेवलप किया है जो कि एयर बैग से इंस्पायर्ड है। अब आप जानते हैं कि आज डेट में हेलमेट्स पहनना आपको कितना मुश्किल लगता होगा, अक्सर हम पहनते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए जो कि गलत बात है, और अगर आप सेफली पहन भी लें तो भी वो जो छोटा सा एक हेलमेट है वो आपको उतने चीज़ें कई बार प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट हैं जो स्वीडन से आते हैं, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट साथ में आप कुछ डेवलपमेंट किए हैं कि वो जो एक आपका हेलमेट है वो एक एयर बैग की तरह होगा, अपने कॉलर में उसको पहन सकते हैं, आपका सिर कंप्लीटली खुला रहेगा तो आप ड्राइव कर सकते हैं बड़े आराम से, और अगर उसको महसूस होता है कि किस तरह का इंपैक्ट होने वाला है तो वो एयरबैग की तरह इन्फ्लेट हो जाएगा आपके सिर के चारों तरफ और ऊपर माथा कंप्लीट कवर कर लेगा और ऐसे में आपको इंजरी से बचा लेगा। इसकी टेस्टिंग चल रही है, देखते हैं अगर गवर्नमेंट इसको अप्रूव कर देती है तो यूएसए मार्केट में आ जाएगा और उसके बाद में आपको इंटरनेशनल मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो कंसेप्ट काफी अलग है कि आपके बाल भी आराम से जैसा आप चाहे वैसा स्टाइल पे डेवलप कर सकते हैं और इन केस ऑफ एन इमरजेंसी आपको हेलमेट का जो है प्रोटेक्शन वो भी मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा कंसेप्ट है, देखते हैं कैसे आएगा मार्केट में और किस तरीके से क्या प्राइस पे आता है। लेकिन कुछ कुछ अलग है, जो ट्रेडिशनल आप पहनते हैं छोटा सा हेलमेट उससे एक इंटरेस्टिंग कंप्लीट एयर बैग, तो अच्छी बात है। और दोस्तों उसके अलावा जो कुछ न्यूज़ है वो है फेसबुक मैसेंजर की तरफ से कि अगर आप फेसबुक मैसेंजर यूज़ करते हैं, अगर आपने उसका लेटेस्ट अपडेट कर लिया है तो आपको उसमें भी एंड टू एंड इंक्रिप्शन मिल जाएगा। वहाँ पे कुछ ऑप्शन हैं कि अगर आप एक सीक्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो आप चैट्स कर पाएंगे एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, और ऐसे में आप फोटोज़ भेज पाएंगे, स्टिकर्स भेज पाएंगे, लेकिन आप वीडियोज़ वगैरह नहीं भेज पाएंगे अभी के लिए। और ये जो चैट्स हैं वो अगर आपने एक डिवाइस से स्टार्ट की है तो उसी पर रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपने अपने फ़ोन से स्टार्ट किया बाद में आप कंप्यूटर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर ये क्रॉस डिवाइस हो गया तो फिर इसमें इंक्रिप्शन जो है वो इतना अच्छे से नहीं काम कर पाएगा। तो जो फेसबुक है वो भी व्हाट्सएप की तरह ही अब स्टार्ट कर चुका है, और अभी मुझे ये समझ नहीं आता यार कि हम कहते हैं कि ठीक है एंड टू एंड इंक्रिप्शन भी है वो सब है, लेकिन एक आम इंसान को उससे बेनिफिट कितना है या क्या है वो एक क्वेश्चन मार्क है मेरे लिए, कि आज मैं अगर किससे बात करता हूँ तो वो इंक्रिप्टेड है भी या नहीं है इससे मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आ रही है एप्पल की तरफ से कि एप्पल जो है वो अगले साल अपने नए आईपैड लाइनअप को लॉन्च करेगा, और यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है कि जो आईपैड प्रो है वो 3 अलग अलग साइज में अवेलेबल होंगे। अभी तक जो अवेलेबल है वो है 9.7 इंच का और एक वो 12 इंच वाला बड़े वाला आईपैड, लेकिन अभी एक 7.9 इंच और 10.1 इंच का एक नया मॉडल भी आएगा। तो ऐसे में 9.7 वाले का क्या होगा, हेडफोन जैक होगा या नहीं होगा, और किस तरीके से आईपैड आएंगे तो वो देखते हैं अगले साल जब एप्पल इनको अनाउंस करता है। उसके अलावा सैमसंग की तरफ से न्यूज़ है कि सैमसंग ने और ज़्यादा पेटेंट्स
फाइल कर दिए हैं बेंडेबल डिस्प्लेज के लिए, बेंडेबल स्मार्टफोन्स वगैरह के लिए, फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, फोल्डेबल डिस्प्लेज के लिए। अब सैमसंग ऐसा पिछले काफी टाइम से कर रहा है, काफी रूमर्स हैं कि देखते हैं सैमसंग को भी फोल्डिंग स्मार्टफोन आएगा, बड़ा स्क्रीन होगा, फोल्ड कर छोटा कर सकते हैं, तो अगले साल देखो कब आता है। डिस्प्लेज तो सैमसंग पिछले काफी टाइम से दिखा भी रहा है और आपको मिलते भी हैं फ्लेक्सिबल और बेंडेबल, लेकिन अब रियलिटी में स्मार्टफोन कैसे बेंड हो सकता है और किस तरीके से अपनी फंक्शनलिटी को इम्प्रूव करेगा वो हम देखते हैं कि जब सैमसंग उसको लॉन्च करेगा। और एक और न्यूज़ सैमसंग की तरफ से ही, और वो ये कि सैमसंग का J7 2017 जो है वो स्पॉट किया गया है ज़ोबा पे। ज़ोबा जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि इंडिया में क्या क्या इंपोर्ट हुआ है, तो वहीं पे एक स्पॉट किया गया है जो मॉडल नंबर है वो है SM J727V। अब पता नहीं यार ये J7 2015, 2016, फिर प्राइम, उसके बाद में 2017, मतलब ये मंथली निकाल दो ना, जनवरी का J7, फरवरी का J7, मार्च का J7, या ON7, ON8 या जो भी है। अभी देखो कब आता है क्या आता है। जो प्राइस यहाँ पे एक आई है निकल के, वो आई है 13,000 समथिंग जो डिक्लेयर्ड प्राइस है। अब ऐसे में एक्चुअल प्राइस क्या होगी, 15, 17, 18, आई डोंट नो, देखते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक और जो यहाँ पे न्यूज़ है वो है गूगल की तरफ से कि इंडिया में गूगल पिक्सल ही आ रहा है सिर्फ अभी तक, पिक्सल और पिक्सल एक्सेल जो है वही आ रहे हैं। इसके अलावा गूगल होम, गूगल वाईफाई, क्रोमकास्ट अल्ट्रा या फिर डे ड्रीम वीआर वगैरह की अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, गूगल की तरफ से कोई भी प्लान्स नहीं है कि इंडिया में कब आएंगे, कैसे आएंगे। तो आई डोंट नो कि एक महीना, दो महीना कितना वेट करना पड़ेगा, अगर आप इनमें से कुछ भी एक डिवाइस यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कितना वेट करना पड़ सकता है, इसके बारे में कोई भी अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। और उसके अलावा कुछ छोटी मोटी टुचपुट खबरें हैं कि वीवो का नया फोन आ गया है, कौन परवाह करता है, वीवो का कुछ भी आए, ओप्पो का कुछ भी आए, चलता रहता है ऐसे ही। और शाओमी ने क्लेम किया है कि उन्होंने 3 दिनों के अंदर 5 लाख फोन्स भेज दिए हैं, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर को। तो ये एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि हमको पता है कि शाओमी जो देता है वो तो कोई और नहीं देता है, और सेल्स काफ़ी चल रही थी, डिस्काउंट्स काफ़ी मिल रहे थे, ऐसे में फोन्स काफ़ी वैल्यू प्रोपोजिशन बन गए थे। Redmi 3S, Redmi Note 3 जो ऑलरेडी एक अच्छे फोन से उनको और डिस्काउंट दे दिया गया था, तो ऐसे में अच्छी बात है शाओमी के लिए कि 5 लाख फोन्स भेज दिए हैं। और डिस्काउंट जो था वो काफ़ी मी बैंड पे भी था, मी मैक्स वगैरह पे भी था, पावर बैंक्स वगैरह भी था, तो अगर आपने लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको काफ़ी सस्ते मिल गए हैं फोन्स। दोस्तों ये थी काफ़ी टेक न्यूज़ आज की डेट में, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप मुझे बताइए, सबसे पहले मैं आपसे कुछ सजेशन मांगना चाहता हूँ कि एक तो इस सीरीज़ का हम नाम क्या रखें, तो वो मैं नीचे कमेंट डाल दूंगा एक, तो आप उसका जवाब दीजिएगा कि आप इसका नाम क्या चाहते हैं। उसके अलावा मैं एक पोल भी क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे ऊपर, तो वो जो पोल है वहाँ पे आप जाइए और आप बताइए मुझे कि आप जो न्यूज़ चाहते हैं वो कैसे चाहते हैं, कि वो टेक्नोलॉजी सेंट्रिक हो, स्मार्टफोन सेंट्रिक हो, इंडिया सेंट्रिक हो, या किस तरीके से जो टेक न्यूज़ है उसको मैं प्रेजेंट करूँ आपके लिए। और डेली शाम का प्लान कर रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ और देखेंगे आगे कि वीकेंड्स पे क्या कर सकते हैं या किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, कोई और सवाल सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, नाम मुझे बताइएगा इस सीरीज का जो हम इसका स्टार्ट कर सकते हैं, डेली टेक न्यूज होगा, टेक खबर होगा, जो भी होगा, और किस सेगमेंट की न्यूज आप देखना पसंद करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों देखने का बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई और सवाल है तो कमेंट कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेक न्यूज भी लेके आता रहूंगा और बाकी टेक वीडियोज भी लेके आता रहूंगा। तो अभी के लिए इतना दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।